आशा दुबे इंसाफ की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जमशेदपुर के मांगो आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक युवक को क्षेत्र के युवकों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम देते हुए चाकू मारकर फरार हो गए, जिससे युवक फिलहाल गंभीर हालत में TMH में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मांगो 12 नंबर रोड के रहने वाले मोहम्मद करीम पेशे से पेंटिंग का कार्य करता था। घटना के समय वह अपने घर की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान 10 से 15 युवकों ने पुराना विवाद को लेकर उसके साथ मारपीट करने लगे और इसी बीच मारपीट करते हुए युवकों में से किसी एक ने उस पर चाकू चलाकर हमला कर दिया, जिसके बाद सभी लोग फरार हो गए और सड़क पर काफी देर तक लहूलुहान हालत में पड़े करीम को स्थानीय वासियों द्वारा TMH में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। और वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। नंबर में हम लोग उधर से पार हो रहे थे, तो करीम मोहम्मद करीम के साथ तीन लोग 20-25 लड़का मिल के, जिसमें से कुछ चाकू पकड़े हुए थे और कुछ लाठी पकड़े हुए थे। 20-25 लड़का मिल के चाकू और लाठी मारे हैं, जो कमर में लगा है, पैर में लगा है, पूरा खूना खून है, अभी एडमिट है अंदर। अभी क्या सिचुएशन है पता नहीं। और हम लोग सहयोगी है, GMM के सक्रिय कार्यकर्ता है, तो हम लोग को जानबूझ के ये मोहम्मद करीम करते क्या थे, ये डेंटिंग का काम करते थे, तो ये घर के पास और जेएमएम का सक्रिय कार्यकर्ता भी है। ये घर के पास मारा है कि कहीं और मारे हैं? ये 12 नंबर में मारा है, घर के सामने। घर जाने टाइम इन लोग सब छेक के 20-25 आदमी सब एक साथ अटैक कर दिए। कहाँ रहते हैं ये कौन करीम? हाँ, वो 12 नंबर में रहते हैं। तो अचानक से एकदम 20-25 आदमी, अब ये करे तो आदमी कैसे क्या करिएगा? क्या लगा है, क्या लगते हैं आप उनके? आप एक ही बस्ती के हम लोग। अच्छा, दोस्त हैं उनके? हाँ, जब देखे वहाँ पर ही फिर उठा के ले क्या। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सगीर है। आजाद नगर थाना अंतर्गत 12 नंबर रोड में बिहार होटल है, वहीं पर चुरावाजी की घटना हुई है, जिसमें करीम नाम का व्यक्ति जिसको चाकू लगा है, उसका इलाज चल रहा है। ट्रीटमेंट के बाद हम लोग उनका बयान लेंगे, निकल जाने घटना के कुछ कारण पता चल पाए। चाकू कहाँ मारा गया? 12 नंबर, मतलब शरीर में चाकू कहाँ पे उसको? पैर में लगा और कमर के जस्ट ऊपर लगा। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही संपन्न होता है। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।